स्कूल में जान देती है ना बटन देंदी भीतर लगा के बांटे मार दिले पटा गया। अरे है के देखो यो आगे बेवड़ा अबे उड़ा पूरी दुनिया रात ना चिपके की वो बाबे हम दिन का से अच्छा चालू हूं नमस्कार जी। नमस्कार हमारी पब्लिक स्कूल से आए हैं। फिर क्या मेरा सिर पर बैठ हो गया है। हमें पता चला है कि आपकी बेटी का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है। अब अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करवा लीजिए। आगे जाके काम करेगी वो। पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगी आपका नाम रोशन करेगी वो। आगे घबरेगा ना उसमें। आजकल के लड़के लड़कों से हर क्षेत्र में आ गया और अपने गाँव और देश का नाम रोशन कर दिया। आपको गाड़ी में घुमाएगी वो। अरे बात हेलीकॉप्टर हमने ए पता सो घरा है के हाँ बेबे हूँ क्यों कुल कुल बर का घूमना रही है ए तने के बताऊँ सवेरी पहला मास्टर मास्टर ने आवे थोड़ी के दाखिला खातर ना बेबे पढ़ाना बेचिए जमाना घना खराब आ रहा है पढ़ाने की तने के बताऊँ वो सचपच की छोरी है ना वो बिट्टी टिट्टी ना ना जे बिट्टी कर रही है आधे वो तो बैठ कर इशारे फुर्र कुछ जे है और सारी बजा के सीट फाड़ के दे रखी है ठीक से चल लू हूँ ठीक है बेबे। अरे हम थोड़ा रहा है के ना जी वे तो खेत में जा रहे हैं। मैं तो छोरी का एडमिशन का खातर आया था। अपने घर में है ना कोई भी छोरी अनपढ़ न रह जा इस खातर तुम भी छोरी का दाखिला स्कूल में करवा दो। अच्छा जी ठीक है चल लू हूँ। राम राम सरपंच साहब राम 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 थोड़ा तेने पीढ़ी ना छोड़ दी के पीढ़ी छोड़ देता तो रिश्ता ना हो जाता तेरा रिश्ता वो भी हरियाणा में पहले ही छोरिया कम से हरियाणा में अछोरिया तीतो कोक में मार दे है छोरिया का पूरा हाल हो रहा है हरियाणा में अगर आपको दारू छोटन दे रिश्ता हो जावे तो ये ले ठीक है। ए बेटी बताओ को न्या क्या क्यों रहो है मैं तो ना रहो हूँ मेरे सास हरियाणा में तंग रहे हैं देखो रहे लोगो इसका ब्याह मैंने मोटरसाइकिल दिया कूलर दिया फ्रिज दिया वॉशिंग मशीन दी और गहना की बात करे तो पीड़ी करती थी पीड़ी तो सोने चांदी ने के मैं चाटूंगी मेरे देवरानी डॉक्टर नी लाग रही से मेरे जेठानी मास्टर नी मैंने गुंठा टेक वाली मेरे छाती में आग सी लाग जाए है माँ तेरे दे देना था तो मैंने शिक्षा का देती कम से कम मेरे शास्त्र में मेरी इज्जत होती जिसा तो मेरे से ती करे है नी मेरी छोटी बहन से ती ना करिए। ताई राम 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 ताई राम 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 बेटी कद आई बेटी आ जाई ताई क्यों क्या तू रोती क्यों आई थी के बताऊं ताई मेरी माँ ने पढ़ाई आते ना मैं अनपढ़ हूँ तो मेरे सास राय मैंने तंग करे हैं मैं तो तेरी माँ ने पहले गई थी पटाले उसने पटाले पर ना पढ़ाई नमस्ते ताई नमस्ते बेटी ले मिठाई खा ले क्या की है बेटी मेरा प्रमोशन हो गया ए बेबे मन्ने भी दे दे ले बेबे देखो जी हमने आपको पहले समझाया था आप अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करवा लो कहीं जैसे आज आपकी बड़ी बेटी के साथ हुआ है वैसा आपकी छोटी बेटी के साथ ना हो। किरण वेदी जो आईपीएस ऑफिसर थी वो क्या किसी की बेटी नहीं है। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी वो क्या किसी की बेटी नहीं है। और आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो क्या किसी की बेटी नहीं है। देखो जी अभी भी शिक्षा का महत्व समझो और अपनी बेटी का दाखिला कराओ स्कूल में। ए ठीक कहो तामी जैसा बंदा मेरी बेटी सत्य करे उसे तामी ना करियो सारे अपनी अपनी बेटियां पढ़ाइयो। ए माँ मैं भी स्कूल में जाऊंगी। हाँ बेटी जावेगी। सब पढ़े सब पढ़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जय हिंद जय भारत। दूसरी ओर बात की बेटियां अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान केवल योजना या अभियान नहीं है यह है लोगों की सोच से जुड़ा सामाजिक विषय है। हमें लोगों की छोटी सोच को बदलना है जो कि एक कठिन कार्य है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं
जो बेटियां नहीं कर सकती वो भी देश की प्रगति में समान रूप से भागीदार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया गया। सदियों से ही महिलाओं को अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया। जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ तो समाज ने गलत करने वाले व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाई है बल्कि महिलाओं के रहन सहन पर उंगली उठाई है। इस स्थिति में यदि महिला शिक्षित होगी तो समाज को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। महिला शिक्षित होगी तो अपने साथ होने वाली बुराइयों से लड़ पाएगी। इसी के कारण आज हर कोई अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए जागरूक हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों के अस्तित्व को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को शिक्षा भी प्रदान करना है। थैंक यू।